दोस्तों ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका वाला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखें। दोस्तों ये बेहद पतली 1.4 mm मोटाई वाला स्क्वायर पाइप है और इस जगह पर हम वेल्डिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर जो गैप बना है वो करीब करीब 4 mm गैप है और इसलिए 2.5 mm थिकनेस वाला यानी 12 नंबर वेल्डिंग रॉड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो ये 60-13 वाला वेल्डिंग रॉड है। इसके ऊपर जो फ्लक्स चढ़ा हुआ है इसको हथौड़ों की मदद से उतार देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो 2.5 mm वाला कोर वायर है उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत, आप देख रहे हो ज्ञान सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। दोस्तों ये वाला कोर वायर को हम स्क्वायर पाइप के गैप में फंसा के वेल्डिंग करेंगे। आप देख सकते हो हम कैसे वेल्डिंग कर रहे हैं और हम इस वेल्डिंग के काम को करने के लिए 80 एम्पीयर पे मशीन को सेट किया है। दोस्तों आप देख सकते हो हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करके ये वेल्डिंग कर रहे हैं इसको ड्रॉप वेल्डिंग या फिर स्टिच वेल्डिंग कहा जाता है। इससे लोहे पिघल के गड्ढा बनने का चांसेस कम होता है। मैं कैमरा के सामने वेल्डिंग ग्लास को लगा के रखा है ताकि आप इस वेल्डिंग को बेहद अच्छी तरीके से देख के इस वेल्डिंग के टेक्निक को आप जान पाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी आप देख सकते हो कितना उम्दा क्वालिटी का वेल्डिंग हुआ है। दोस्तों फिर मिलेंगे और भी अच्छे वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।